हेलो, ये क्या पापा, आप और मम्मी अभी कल ही तो आए थे और इतनी जल्दी वापस चले गए। पता है मैं कितना एक्साइटेड था, इतने दिन बाद आप लोग आए। और आई एम सॉरी बेटा, सच्ची बहुत जरूरी काम आ गया था इसलिए हमें वापस आना पड़ा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है भाई? अबे उसके क्या, उसके तो मजा ही है ना, ना कोई रोकने ना कोई टोकने वाला, कोई बड़ा है ही नहीं घर पे। सुनने बहुत अच्छा लगता है कि घर में कोई है नहीं रोकने टोकने के लिए, बिना फैमिली के घर भी जेल जैसे लगने लगती है। जब कोई किसी काम के लिए रोकता है ना तो करने का बहुत मन करता है, लेकिन जब कोई रोकने टोकने वाला ही ना हो तो कोई काम करने का मन ही नहीं करता। वैसे अंकल आंटी आए तो थे, इतने जल्दी क्यों चले गए? उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसा कमाना, ऐसा नहीं कि वो अपने लिए कमा रहे, वो मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए कमा रहे, पर वो मुझे सिर्फ पैसा दे पा रहे, खुशी नहीं। वैसे तो हम लोग मूवी के लिए जा रहे हैं ना, तू आएगा ना? अरे हाँ हाँ पक्का। ठीक है, फ्यूचर हम लोग निकल रहे हैं, बाय। चल और भाई क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ नहीं भाई, मैं सोचता रहता हूँ कैसे टाइम पास हो। तुझे कितनी बार बोला है किलर डेविन गेम खेलना चालू कर दे, मस्त टाइम पास होगा। भाई वो गेम तो बैन है ना। बैन वैन कुछ नहीं होता, मैं तुझे एक लिंक भेजता हूँ, उसे डाउनलोड कर ले। ठीक है भेज। आ गई। अरे भाई वो किलर डेविल गेम डाउनलोड करना, मस्त गेम है, मैंने भी डाउनलोड किया है, बहुत मजा आया। तो खेलेंगे ना साथ में, डाउनलोड तो कर। ठीक है चल। कैसा है भाई? अरे मस्त। तू कल की पार्टी में बहुत मजा आया था ना? हाँ लेकिन वैभव आता तो और मजा आता। तू कल आया क्यों नहीं? सॉरी यार टाइम नहीं मिला। क्या भाई दिन भर फोन में लगा रहता है, लगा तो दिखाई तुमसे बात भी नहीं कर रहा है। फोन दे मेरा। और फोन बोलता है आने को जब देखो तुम लोग ही चले आते हो। फोन क्या खींचा, तो पागल ही हो गया। तू अकेला रहता है इसलिए हम लोग आते हैं, जा तू रहे अकेला। जाओ जाओ। आज हम लोग वैभव घर पे ही रहते हैं, तो अलग ही बिहेव कर रहा था यार। अबे सुनना, तू वैभव घर पहुंच मैं भी आता हूँ। चल। बस ऐसे। बैटरी को कभी लोड। अबे तेरे को फोन क्यों भेज रहा? अरे मैं बैटरी चली गई उसकी। मैं तो अपना फोन ले लूँ। पागल हो गया अभी? अरे कब से फोन मांग रहा था, नहीं मिला देखिए। अरे हाँ यार, मतलब उसको गेमिंग डिसऑर्डर। गेमिंग डिसऑर्डर? मैंने कुछ टाइम पहले इसके बारे में न्यूज में पढ़ा था। इसके सिम्टम्स है ना, वैभव के हरकत से मिलते जुलते लगते हैं। चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना और अपने टाइम टेबल को बिगाड़ देना एक्सेट्रा। हमें वैभव के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हेलो अंकल, मैं वैभव का दोस्त बोल रहा हूँ। यस अंकल, वैभव इज सफरिंग फ्रॉम गेमिंग डिसऑर्डर। उसने गेमिंग के चक्कर में हमारे दोस्त का सिर फोड़ दिया। व्हाट? आई कांट बिलीव दिस। तुम जैसे लफंगों के साथ रहकर मेरा बेटा बिगड़ गया है। अंकल, लेकिन वैभव के साथ आप और आंटी आप उसको पैसा दे पाए, प्यार नहीं।
आप जैसे पेरेंट्स को लगता है कि आपने अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर दी तो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। पहले दीजिए अंकल, आप अपनी मीटिंग संभाल लिए, हम अपने फ्रेंड को संभाल लेंगे। अब हमें अपने दोस्त को सेडिशन से बाहर निकालना पड़ेगा।